तो फिर कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप ठीक ही हो। तो मैं आपके लिए फिर से एक और बार लेके आ गया हूँ वाइस सिटी। आपको अपने पिछले वाले वीडियो में तो याद ही होगा, अगर आपको मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं याद, ऊपर आई एम एस जाके देख लो। तो फिर मेरे पिछले वाले वीडियो में क्या हुआ था कि मेरे को एक बंदे को ढूंढना था, मेरा एक फ्रेंड था, मतलब उसने मेरे से थोड़े टाइम के लिए कुछ पैसे उधार के लिए लिए थे। तो फिर वो मेरे से बात ही नहीं कर रहा था, मैं उसको कॉल करूँ या फिर ओ भाई ये पुलिस वाला यहाँ क्या कर रहा है, भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, अच्छा छोड़ ये तो अपना थोड़ी ना घर है, रेस्टोरेंट है, यहाँ कोई भी आ जा सकता है, होटल है, ये होटल पैसिफिक ओशन नाम है इस होटल का। और अपना जो फ्रेंड था उसने थोड़े टाइम के लिए अपने पास से पैसे लिए थे, लेकिन वो पैसे बहुत ज़्यादा थे। और पहली बात तो ये कि वो पैसे अपने नहीं थे, अपने फ्रेंड सोनी परेली के पास से वो पैसे हमने लिए, हमसे उस बंदे ने लिए, मतलब कि वो बंदा अपना फ्रेंड ही था। तो वो बंदा था तो बहुत ज़्यादा गरीब, उसने फ्लैट खरीद लिया, फिर और एक फ्लैट खरीद लिया, फिर पर्सनली उसका घर तो था लेकिन फिर भी दो दो फ्लैट खरीद लिए। वहाँ जाके पता चला कि वो रोज़ उस टाइम पे गोल्फ खेलने जाता है। बोलो भाई साहब, गोल्फ का मतलब मेरे यूनिफॉर्म ही देख लो आप लोग, गोल्फ वाले यूनिफॉर्म है, गोल्फ वाले यूनिफॉर्म, मतलब वो गोल्फ क्लब में जाके मैंने उसको ख़त्म कर दिया। फिर अभी आगे की स्टोरी। अब सीन क्या है कि आपको याद ही होगा कि पिछले वाले वीडियो में जैसे कि अपने यहाँ पर लंबी लंबी वो गार्ड्स खड़ी हुए थे, उन रेंचर्स ने ये अपनी जो BMW पावर है वहाँ घुसा दी थी, सीधी थपाक करके यहाँ लगा दी थी रेंचर्स ने। यहाँ लंबी लिमोजिन थी, वो लिमोजिन अपने अपना बिल्डर जो है उसकी थी। तो वो बिल्डर को एक और प्रॉब्लम हो गई है, तो मेरे को, मैं वैसे भी वो भूल गया था, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही अपना केन रोजनबर्ग का कॉल आया मुझे कि बिल्डर मेरा दिमाग खराब है कॉल कर करके। तो अभी सबसे पहले मैं केन रोजनबर्ग के पास जाऊंगा, उसको पूछूंगा भाई क्या प्रॉब्लम है उसको, फिर जाऊंगा बिल्डर के पास। तो अभी यही गाड़ी से काम चलाना पड़ेगा हमको, क्योंकि दूसरी गाड़ी हमारे पास है नहीं, और वैसे भी यही गाड़ी रखी हुई है, और अपने पीछे पुलिस नहीं, पुलिस अपने पीछे नहीं पड़ी है। ओके तो अभी फिलहाल गाड़ी भगाते भागे तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, फटाफट से गाड़ी पार्क करते और जाते और पूछते कि क्या। अबे ओ भाई 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 भाई, भाई ये यहाँ क्या कर रहा है अभी भाई? भाई केन रोजनबर्ग ने तो मेरे को सिर्फ बुलाया था, ऐसा बोला नहीं था कि यहाँ पर आके टपक गया, ये तो कहीं पर भी पहुँच जाता है। और ये क्या है भाई, पिछले वाले वीडियो में तो रेंचर थी और ये तो लैंड स्टॉकर है भाई, वाह ये तो गजब है भाई, कुछ सीन ही अलग है इसका। चलो अभी चल के देखते हैं फटाफट से। Avery here has a proposition. तो यार अभी मैं बात करके आ गया हूँ, तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। फिलहाल तो वो चले गए और एक गाड़ी छोड़ के गए, क्योंकि मेरे को जाने के लिए रहेगा ना, वो बेकार से BMW में नहीं बैठते हम लोग, ये गाड़ी कुछ तगड़ी वाली है, तो इस वाली गाड़ी में जाएंगे। सबसे पहले ट्रैफिक को प्रॉब्लम ना पड़े इसलिए मैं थोड़ी साइड में कर देता हूँ इस गाड़ी को। और वो प्रॉब्लम क्या थी मैं बताता हूँ अभी आपको, भाई रेडियो कभी भी चालू हो जाता है गाड़ी का। ओके तो ये प्रॉब्लम है कि एक बंदा है उसको बार बार हैरान कर रहा है, तो उसका नाम है गोंजालिस, परेशान कर रहा है यार प्रॉपर्टी के लिए। तो बिल्डर बाकी है खतरनाक, उसको जाके समझाने के लिए नहीं बोला, जाके डायरेक्ट टपका डालने के लिए बोला है। और साथ ही साथ ये क्या रश ड्राइविंग हो रही है भाई यहाँ पर, ओ भाई मेरी गाड़ी भाई, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। वाह भाई साहब क्या मजबूत, यार मजबूत गाड़ी है भाई इन लोगों की, तो क्या खतरनाक सी टक्कर मारी यार, पर कांच टूटने की तो आवाज आई थी। फिर भी है कि इस गाड़ी को कुछ हुआ ही नहीं असर। तो अभी फिलहाल तो
अपने को गन खरीदने जाने होगा, उसने पैसे दिए है अपने को, अपने पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम लोग पहुँचने में आ गया हूँ वाइस सिटी के जाने माने एम्युनिशन शॉप में। भाई मैं तो अंदर ही घुसा दूंगा। ओके यहाँ पार्क कर देते ये ठीक रहेगा, साइड का साइड में वो हो जाएगा। तो ओके अंकल जी अभी मेरे को अच्छी वाली एक गन दे दो कोई। ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये बड़ा। तो ओके अभी इन अंकल जी के पास से मैंने एक शॉटगन, एक राइफल और एक ये, हाँ ये भी ले लिया है। इसको वो मीट काटते ना शेफ लोग, वो ले लिया है। फिर उसके बाद ये देसी कट्टा ले लिया है। इस देसी कट्टे से ना भाई एक की बुलेट में ना बंदा सीधा ऊपर, ये दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ठा करके मतलब दो बुलेट चलाई और ख़त्म भी हो गया भाई साहब। देखो और पुलिस भी अपने पीछे लग गई है, लेकिन पुलिस तो अपना क्या ही बिगाड़ लेने वाली है। तो अभी चलते हैं फटाफट से, वो जो लोकेशन अपने को अपने बिल्डर भैया जी ने दी है वहाँ चलते हैं। तो बहुत दूर है अभी वो, तो शायद 2 घंटा तो लग जाएगा। और ये क्या चल रहा है, ये वाइस सिटी में क्या चल रहा है? अभी मैं ये पिलर से ठुक जाता भाई, पता नहीं एक तो क्या ही चले जा रहा है। हट, बाकी तो इन लोगों की गाड़ी यार है मजबूत, इतना मैं ठोक ठोक के आ रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी फिलहाल तो यहाँ पार्क कर देते हैं क्योंकि पूरी रात तो मैं सोया हूँ नहीं, और थोड़ा बहुत खाना वाना भी खा लूँगा तो बाद में चलेंगे, क्योंकि यार उसको डायरेक्ट टपका डालने का है, वो जहाँ रहता है वहाँ जाने का है हमको। तो अभी तो फिलहाल चलते हैं, और सबसे पहले जाके, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, जाके सबसे पहले सो जाते हैं हम लोग, उठते हैं फिर आराम से, रात को उठेंगे कोई बात नहीं उसमें। तो ओके यार मैं अभी उठा हूँ, तो डायरेक्ट 3:30 बज गए, तो 3:30 बज गए, मेरे को लगा रात को उठूँगा मैं शायद तक, लेकिन दोपहर को उठ गया। तो कोई बात नहीं, अभी अपने काम पता डालते अपना वाला, कुछ नहीं जाके बस एक जन को सिर्फ यही करने का है और कुछ नहीं करना है। बाकी तो अभी गाड़ी, ये गाड़ी तो अपने बंदे ने पहुँचा दी थी जो कि थी उसके पास, और वो जो बंदा है अपने बिल्डर की, बिल्डर का एक बंदा वो गाड़ी लेके गया है। तो अभी अपने को यही गाड़ी में जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं यार अच्छी गाड़ी है। लेकिन लॉक क्यों कर दिए भाई, एक मिनट लॉक कर दिया, एक गेट लॉक है ये वाला। ओके ये वाला खुला है तो कोई बात नहीं। तो अभी लोकेशन तो मेरे को पता चल गई, तो अभी वहाँ पर डायरेक्ट जाते अपन। बस अभी मालवा क्लब आने ही वाला है, मालवा क्लब के बिल्कुल ठीक हो पीछे वाली जो बिल्डिंग दिख रही है वही बिल्डिंग में वो रहता है। तो भी फटाफट से चलते हैं अपने ये वाली बिल्डिंग के अंदर। यार इन लोगों ने कहीं पर पार्किंग नहीं दी क्या? ओके वो बगल में ही पार्किंग है, अपनी गाड़ी सेफ रहनी चाहिए बस यही है। अरे दरवाज़ा क्यों खुला रह गया, ये सही है। ओके फिर चलते हैं अभी अपने फटाफट से। चलो तो अभी इस जगह पे हम लोग पहुंच गए हैं, और ब्लेड किसने हाथ में रख ली भाई, मैंने तो गन रखी थी हाथ में, ऑटोमेटिक ब्लेड लगाई। भाई पीछे बंदे आ रहे थे, हाँ सेकंड टाइम पे मैं कूद गया, अभी फटाफट से इसको मारना है। और वाह यार मतलब पहले ही बुलेट में ख़त्म हो गया, और वहाँ का मार रहा है मेरे को पीछे। ओ भाई साहब मैं गिरते गिरते बच गया, और ये पीछे मेरे एक पीछे बंदा है, मैं क्या सस्ता नशा करके बैठे ये लोग।
रुको इसको पंच से मारता हूँ मैं, पंच ये ले ले। अबे गिरना, अरे गिरना नीचे, हे भगवान क्या कर रहा है टॉमी। गिर 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 गिर, ओके चलो भाई ये तो ख़त्म हो गया और हम भी अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और गुंजालिस भाई साहब तो बहुत सस्ते में लिपट गया। ओ भाई साहब गुंजालिस के लिए तो हेलीकॉप्टर मंगा के रखा था, वाह यार बंदा तो बाकी काम का था। लेकिन ये लेकिन छोड़ो, मार दिया तो मार दिया, अब और क्या है। और फिर बस और क्या, मिलता है अगले वीडियो में। बस लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।